अचुंग इंगस्तम सामाइन जुले आदाब नमस्कार। यों तो हम अचुंग इंगस्तम लद्दाखी में लद्दाख के यूथ के लिए हर शनिवार करते हैं, मगर आखिरी शनिवार इसे हम एक विकास या तरक्की के मुद्दों पर यर्ग्या से लमचेन यानी कि विकास का महापथ इस नाम से विकास के अलग अलग मुद्दों पर को लेकर किया करेंगे अब से। और इस बार हम एक बहुत ही लद्दाख की जो कि बुनियादी निज़ाम है, एक नींव है लद्दाख का, जो कि हमारे गांव के गोबा का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उस पर चर्चा करेंगे। गोबास का जो सिस्टम था बहुत ही पुराना है, कितने सौ या हजार साल पुराना है ज्यादा नहीं पता चलता है, मगर इसका जिक्र सिंगे नामग्याल के वक्त से 400 साल पहले भी पाया जाता है। और अलग अलग वक्त पर इसके अलग अलग शक्ल बने। डोगराओं के वक्त पर ये एक रेवेन्यू वसूली और बेगार का काम कराने का जरिया बन गया। फिर जम्मू कश्मीर में लंबरदार एक्ट में भी इसका एक छोटा सा दर्जा रेवेन्यू का बना। जबकि लद्दाख के इतिहास में, हिस्ट्री में देखें तो मेरे ख्याल से गोबा एक गांव का पिता, गांव की माँ कहिए, पिता कहिए, या फिर अगर इसे विलेज रिपब्लिक्स कहें गांव को, तो उस रिपब्लिक के हेड ऑफ रिपब्लिक गोबाज होते थे, जो हर गांव के मसलों को झगड़े सुलझाने से लेके जमीन के मुद्दों से लेके विकास तक का सारा दारोमदार गोबा के इर्द गिर्द घूमता था। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, एक स्टडी हुआ है गोबा के सिस्टम पर, तो उसके बारे में सुनने से पहले मैं आपको तारुफ कराऊं। हमारे साथ आशीष जी हैं, ये विकल्प वृक्ष संस्था से जुड़े हैं और बहुत सालों से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के विकल्पों को अध्ययन करते रहे हैं, क्या अल्टरनेटिव्स, क्या यहाँ की अपनी बुनियादी विकास के हमारे विरासत रहे हैं भारत की। आपने किताबें भी लिखी हैं, किताबों के आप नाम बताएंगे, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स, जो भारत में और आगे क्या कर सकते हैं वो भारत के लिए है, और एक प्लूरिवर्स नाम की है जो विश्व भर में इस तरह के वैकल्पिक काम जो हो रहे हैं उस पे। और आपका विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, और हम आपको स्वागत करते हैं लद्दाख में और धन्यवाद करते हैं कि इनिशिएट किया आपने। हमारे साथ नामग्याल जी हैं जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी को हेड करते हैं। हमारे साथ रास्तोपदनले हैं जो कि अलची के गोबा हैं और एक गोबाओं की आवाज़ हैं। हमारे साथ सृष्टि जी हैं, कल वृक्ष संस्था से जुड़े हैं और अल्टरनेटिव्स पर आप काम कर रहे हैं और आप इस स्टडी में बुनियादी काम कर रहे थे। हमारे साथ स्कार्मा जी हैं जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन में हैं और गांव से बहुत जुड़े हुए हैं, गांव के अलग अलग रोल से भी। और हमारे साथ पलदन जी हैं जो स्कारा के गोबा हैं अभी। शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले मैं सृष्टि जी आपसे समझना चाहूँगा इसका कॉन्टेक्स्ट, ये स्टडी जो गोबा सिस्टम के बारे में आपने बहुत ही अहम स्टडी की, इसकी कैसे शुरुआत हुई और इसका क्या महत्व है? जी ज़रूर। तो भारत भर में हम देखते हैं कि कई समुदाय के खुद के पारंपरिक स्वशासन की प्रक्रिया है, और बहुत सारी ये प्रक्रिया अभी लुप्त हो गई हैं। बहुत सारी इसका कारण पंचायती राज सिस्टम का आना और नई गवर्नेंस सिस्टम का आना है, पर अभी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे ये पारंपरिक स्वशासन प्रक्रिया अभी भी जिंदा है। और जब हम लद्दाख में एक्चुअली हिल काउंसिल पे स्टडी कर रहे थे 2019 में, तब हमें गोबा सिस्टम के बारे में जिक्र आया, पर उसके बारे में ज़्यादा कहीं लीगली हमें कुछ नहीं दिखा। तो हमें यह एहसास हुआ कि ना, बल्कि लीगल तो छोड़िए, लिटरेचर में भी इसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, बहुत ही लिमिटेड स्टडीज़ इस पर की गई है। तो एक हमारा मकसद इस स्टडी का यही था कि हम इस सिस्टम के बारे में लिखें, कि आने वाले समय में अगर किसी को इसके बारे में जानना भी हो तो एक दस्तावेज हो उसके लिए। और क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे हैं,
और गवर्नेंस लेवल चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ बहुत सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव भी आ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस स्वशासन जो लोगों का स्वशासन की प्रक्रिया है, गोबा सिस्टम है, उसका अभी के समय में क्या रेलेवेंस है, तो इस ऑब्जेक्टिव से हमने स्टडी की शुरुआत की। जी बहुत अच्छा और बिल्कुल वक्त पर आपने किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे लद्दाख के गोबा सिस्टम है, ये सदियों से लद्दाख के लोगों के रगों में बस चुका है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनने में सैकड़ों या हजारों साल लगते हैं और उसे जड़ों से निकाल फेंक कर एक नया पंचायत सिस्टम लाएं और फिर वो एक मैकेनिकल सॉल्यूशन हो और जो इमोशंस थे लोगों के वो सब हट जाए, तो नुकसान हमारा ही होगा, हमारे विकास का होगा, सिस्टम का होगा, क्योंकि अभी देखा ये जा रहा है कि गोबा का सिस्टम लोगों के दिलों में अभी भी है, पंचायत का सिस्टम पूरी तरह से लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचा है, और ये सिस्टम्स एक सोशल कैपिटल है, लद्दाख का एक विरासत है, स्तर जिसे हम कहते हैं, खजाना है वैल्यूज का, और इसका हम अगर इस्तेमाल कर पाते तो ज्यादा अच्छा होता इसे हटाकर किसी और पे। तो आशीष जी, मैं चाहूंगा आपसे जानना कि इस स्टडी में आपको क्या अहम मुद्दे दिखे मिले, और उसके बाद फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑन ग्राउंड गांव में आप क्या एहसास करते हैं, महसूस करते हैं एज गोबा, आपको क्या कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है आज के बदलते इस दौर में। जी जरूर, पहले तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यद्यपि कल्पवृक्ष ने इसकी अगुवाई की स्टडी की, लेकिन साथ में चार और संगठन बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट थे, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, लद्दाख आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और लोकल फ्यूचर्स, तो पांचों ने मिल के इसका काम किया है, और इसमें हम लोग करीब 15 गाँव में अलग अलग, जैसे चांगथांग में, श्याम घाटी में, ग्या मेरू एरिया में जाके और ले के एरिया में जाके हम लोगों ने बहुत, मतलब हो सकता है लगभग 50-60-70 गोबा सरपंच, महिला आमासोक्सपा काउंसलर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इन सबको इंटरव्यू किया, बातचीत की, और उसके आधार पे फिर ये कुछ जो मेन फाइंडिंग्स जो निकले हैं। तो मुख्य हमें, जैसे आपने कहा कि ये तो बहुत पुराना सिस्टम है, लोगों के खून में अभी भी बसा हुआ है, तो मुख्य तो हर जगह पे ही हमने पाया कि यद्यपि पंचायत आया है लेकिन, और काउंसिल भी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मान्यता अभी भी गोबा को है। डोगरा और उसके बाद फिर जे एन के एक्ट, जो लंबरदारी एक्ट बना, उसमें उनका रोल बहुत कम सीमित कर दिया गया, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पे ज़मीन के मुद्दे, पानी के मुद्दे, झगड़ों को निपटाने का जो पूरा प्रक्रिया है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने भी फंक्शंस होते हैं, इन सब में गोबा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अभी भी है। सरपंच के पास नहीं जाते इन सब चीज़ों के लिए, यद्यपि सरपंच के पास पैसा सारा आता है, लेकिन जाते हैं गोबा। सरकार भी जब किसी गांव में कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले गोबा के पास जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन आते हैं जाते हैं गांव में तो सबसे पहले गोबा के पास जाते हैं, गोबा का सपोर्ट मिल गया तो पार्टी को भी सपोर्ट मिल गया, ऐसे करके, मतलब ये बहुत हमें लगा कि बहुत अभी भी महत्वपूर्ण है। हमने पूछा भी कि पंचायत आ गई है, सरपंच आ गई, क्या वो गोबा को का फंक्शन कर सकती है, सबने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, गोबा का तो अपना महत्व है, वो रहेगा और रहना चाहिए। दूसरा फिर हमने ये पाया कि कुछ जगह पे क्या होता है कि एक जगह ऐसे मुखिया हो या हेडमैन हो तो वो सारा जो सत्ता है वो उसके अंडर, उसके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, सीमित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने पाया कि ज़्यादातर जगह पर युल्पा जो है, जो ग्राम सभा, जो बाकी भारत में ग्राम सभा बोलते हैं, वो सशक्त है, और गोबा कभी भी कोई निर्णय बिना युल्पा के कंसल्टेशन के नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कुछ जगह पे होगा जरूर, फिर भी गोबा के उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर होगा जरूर, जैसे खासकर अगर एक फैमिली, एक परिवार में ही आ रहा है तो वो होता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे जो है इस प्रकार का एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, असल का लोकतंत्र, वो हमने थोड़ा सा उसकी झलक पाई। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है कि यद्यपि गोबा के कुछ कॉमन फंक्शंस है पूरे लद्दाख में, लेकिन जगह के हिसाब से और वहाँ के पर्यावरण और वहाँ की आजीविका के हिसाब से भी गोबा का रोल फिर अलग हो जाता है। फिर हमने चौथा ये पाया कि ये सब होते हुए भी
कुछ क्योंकि नई ये शासन की इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं, पंचायत है गांव के लेवल पे, फिर काउंसिल है लद्दाख के लेवल पे, फिर अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है पिछले 2 साल से। तो गोबा और इन सब के बीच का जो एक संबंध जिसकी एक सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। तो गांव के लेवल पे भी कंफ्यूजन है कि हम सरपंच के पास जाएं या गोबा के पास जाएं किसी चीज़ के लिए। काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब ज़मीन के बारे में काफ़ी कुछ निर्णय ले रहे हैं, यद्यपि ये है कि गोबा के थ्रू होना चाहिए लेकिन कई बार गोबा को बाईपास कर दिया जाता है। तो ये एक जो सफाई होनी चाहिए वो कम है। कानून जैसे पंचायत लॉ, काउंसिल का जो एक्ट है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अपने कानून यूज़ करती है, उनमें किसी में भी गोबा का जिक्र नहीं है, इसलिए उनको बाईपास करना आसान हो रहा है। तो ये एक चौथा था। पांचवा मुख्य हमें पाया कि ये सब जो हो रहा है, बदलाव आ रहा है उसकी वजह से भी, और फिर नई जो परिस्थिति है लद्दाख में उसकी वजह से गोबा बनने को जो पहले बहुत लोग इच्छुक होते थे, अब वो इच्छा नहीं है, अब उसका एंथुजियाज्म कुछ कम हो गया है। एक तरह से मतलब एक बोझ भी लगता है, इसलिए कई गांवों में पहले जैसे सिलेक्शन होता था 4 साल 5 साल 10 साल रहते थे गोबा, अब लोगों ने कहा कि क्योंकि कोई बनना नहीं चाह रहा है तो हर घर का एक बारी बारी से मौका आना चाहिए। तो अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि कभी बहुत अच्छे ज्ञानी लोग गोबा बन जाते हैं, कभी जो है जिनको कुछ खास ज्ञान भी नहीं है वो बन जाते हैं क्योंकि बनना ज़रूरी है। तो ये एक रोटेशन सिस्टम या जो मतलब एक कुछ जो एक इच्छा वाली जो बात थी वो कम हो गई है, तो इसके बारे में हमारे रिकमेंडेशंस भी है जो बताएंगे। आखिरी बात कि गोबा एक पारंपरिक सिस्टम में उसकी एक कमज़ोरी ये थी कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग मर्द ही गोबा बनते हैं। ज़्यादातर मतलब क्या, मतलब 99% मेरे ख्याल से वही होगा। तो उसमें महिला का की भागीदारी, युवा की भागीदारी और कुछ जगह पे जो वंचित जातियां हैं जैसे मौनगरबा हैं उनकी भागीदारी कम या ना के बराबर रही है। तो इसमें भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये मुख्य मुख्य फाइंडिंग्स, ये कुछ कमियां आपने देखें और कुछ क्लैशेस देखें जो कि अब के नए माहौल में गोबा के पास उतना ना धनराशि ना ज़मीन पर ही जो कि लंबदार एक्ट में है वो भी धीरे धीरे इरोड हो रहा है। अब मैं पूछना चाहूँगा ज़मीन पर जो गांव में लोग हैं और ख़ासकर गोबा हैं जी, आप क्या देखते हैं स्तुपधन जी और पालधन जी कि क्या मुश्किलें गोबा के सिस्टम को दो चार होना पड़ रहा है अभी के हालात में, जहाँ आपका पंचायत है, काउंसिल है और फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। जी जी, तो सबसे पहले तो मैं अलची के नंबरदार हूँ, तो मैं अलची के गांवों के सिस्टम के बारे में मेरी चंद बातें आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। तो गांवों में, हमारे गांवों में जो गोबा का जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी जो कायम है वो शायद मेरे ख्याल से 200-300 साल पुराना जो जितना वो रेस्पेक्ट था वो अभी भी है। जिस तरह से अभी हमारे गांव में कोई शादी के मौके पे हो या पानी के बारे में मुद्दा हो या पूजा पाठ हो या कोई डिस्प्यूटेड मतलब फैमिली के बीच में जब डिस्प्यूट हो तो उन सब के बीच में तो मेन रोल जो है वो गोबा का अभी भी रहा है, अभी भी कमी है जी। शिस्ती जी और ये आशीष जी का तो मैं सारे नंबरदार की ओर से मैं ये धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने नंबरदार सिस्टम को सुधारने के लिए 1.5 सालों से आपने गांव-गांव में जाके आपने सर्वे किया है और आपने एक रिपोर्ट भी आपने तैयार किया है, तो जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि नंबरदार जो है वो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन समझिए, इंस्टीट्यूशन समझिए, सरपंच काउंसलर्स जो बाद में आए हैं, नंबरदार सदियों से आया है और सदियों तक रहेगा। बलदंग ने आप कैसा देखते हैं, आप खैर ले में सकारा के गोबा रहे हैं, तो यहाँ पर गोबा की अहमियत और जनरली क्या? जुले मैं सोनम पालदन सकारा का गोबा हूँ सर। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या आता है बोले तो, ये अभी जितना भी ले के अंदर तो गोबा का दक्षा वैल्यू बन रहा है, आज से कुछ
15-20 साल पहले तक इसका गोबर का थोड़ा वैल्यू खत्म हो गया था। अच्छा, किस वजह से हो गया था? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा दबदबाव ज्यादा हो रहा था अर्बन एरिया में, तो मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, जो भी कंस्ट्रक्शन करना हो गांव में, कैनाल हो, रिजर्वर हो या बाइंडिंग कुछ करना हो, तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट आके अपने मर्जी से कुछ भी करते जा रहे थे। तो अभी कुछ 2-3 साल से हम जो ले के नंबरदार सब मिल के हमने ये मीटिंग की है कि ऐसे बाहर से आके खुद पर खुद ऐसे डिपार्टमेंट वाले आके करने लग गया, तो मैक्सिमम क्या होता है कि डिपार्टमेंट में जो बैरिकेड से बाहर के होते हैं, लोकल नहीं होते, तो उनको ये हवा ज़मीन इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से ये लोग अपने मर्जी से कुछ भी करता था। अभी क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट है, तो आजकल तो हर डिपार्टमेंट को हमने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है कि जो जब भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले गोबा से कंसल्ट किया जाए, विदाउट कंसल्टिंग गोबा तो ऐसा कुछ काम गांव में नहीं होगा। तो इस वजह से अभी काफ़ी फर्क पड़ रहा है सर। अभी जैसे ड्रिंकिंग वाटर का जो अभी सिस्टम है, अगर डिपार्टमेंट खुद आने लग गया तो ज़मीन देना नहीं देना उसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ जाता है। जो वंस जब गोबा आपके डिपार्टमेंट के साथ चलेंगे, तो गोबा को गाँव का हर चीज़ उनको पता है, किसका ज़मीन कहाँ है, किसका ज़मीन कहाँ है, तो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट सीधा हर काम को स्मूथली बन जाता है। शुक्रिया। कारमल, आप 11 रूम्स से हैं, तो आपने गांव के इन सिस्टम्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया है और इस स्टडी में भी आपकी संस्था जुड़ी है, तो आप अपना तजुर्बा। जी, मुझे आशीष ले और सृष्टि ले के साथ, जैसा इन्होंने जैसा पिछले 2 साल से गांव-गांव में जो स्टडी करना शुरू किया था, तो बहुत से गांव में मुझे इनके साथ जाने का मौका मिला। खैर, मेरे अपने गांव में तो पता ही है, उसके अलावा जैसा हम चंगतंग में बहुत सारी जगह कोर्सों गए, जैसे तेगाजोंग गया और हानले वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जैसे आशीष ले स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि सब लोगों का 2-3 जो मुद्दा है बहुत ही मतलब एकदम एक है। जैसा फॉर एग्जांपल इनको जैसा डिपार्टमेंट ये सैलरी दे रहा है कुछ 1500 रुपया, तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा हम जब हनले में था तो हनले का नंबरदार बता रहा था कि हमको 1500 रुपये तो देता है, लेकिन वो 1500 रुपये तो बोला है कि हम जब एक जगह पे फ़ोन करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेट करते हैं तो फ़ोन से ही हम वो लोग ज़्यादा करते हैं, तो फ़ोन पे 800-900 रुपये तो फ़ोन पे चले जाते हैं। तो अगर जैसा कोई गाँव की मुद्दे में हनले से ले आना होगा, तो बोला इनका एक मिनिमम खर्चा जो है 3000 रुपया तक मिनिमम खर्चा आता है, तो वो उसके लिए भी शायद नंबरदार जो आजकल जो यंगस्टर लोग जो नहीं करना चाह रहा है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा इनकी जो स्टाइपेंड जो है की वजह से भी हो सकता है इनकी वजह से मतलब लोग ना इंटरेस्ट ले, तो शायद सब लोग बोल रहा था कि स्टाइपेंड को थोड़ा सा वो किया जाए। उसकी अलावा जैसा हम लोग को जब खरू में एक बहुत बड़े इनका पूरा खरू सब डिवीजन में गोबाओं का एक संस्था जैसा पिछले बहुत 90 से बने हुए हैं, तो उन लोगों को बुला के हम लोगों ने एक दिन का जैसा थोड़ा सा बातें करने की कोशिश की, तो उसमें भी मतलब ये सारा चीज़ आ रहा था, लेकिन उसमें ये जो आजकल अभी एक जो एज का जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए 60 वाला एज का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यूनैनिमसली बोला कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो इन्होंने एक खरू का बहुत ईगू का एक नंबरदार था, काफ़ी एक्सपीरियंस गोवा था, तो उन्होंने बोला जबकि प्राइम मिनिस्टर और जैसा चीफ मिनिस्टर स्टेट में होते हैं तो वो 75 साल हो की भी रोल कर मतलब कर सकते हैं, तो गोवा गाँव में बैठ के क्यों नहीं ये रोल कर सकता। ये मुझे लगा कि ये चीज़ें बहुत ही मतलब हद तक ये बहुत ही जरूरी है, मतलब इनका मुद्दा ये है, तो बहुत सारे चीजें ये है। बहुत खूब। मुझे समझ नहीं आता है इस रूल के पीछे सोच क्या थी जो 60 साल से ऊपर गोबा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मुलाजिम तो है नहीं जो दफ्तर जाएं, या कोई ऐसा तनख्वाह तो है नहीं जो औरों को देना पड़े। एक तरफ 1500 का छोटी रकम है, ऐसे में शायद कोई रिटायर्ड लोग कर सकें,
मगर रिटायर्ड करें तो उसके लिए 60 साल का लगाम लगा लिया आपने, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है अपने आप में। और वैसे भी लद्दाख में गोबा का रोल एक बड़े बुजुर्ग की तरह देखा जाता है, और आप उस पे 60 साल का एक लगाम लगाएं जिससे किसी को फायदा नहीं, ये पता किसी ने क्या सोच के बीच में लाइन लिख दिया है पता नहीं, मगर इसका कोई मतलब नहीं है। गांव का कोई मुखिया या बड़ा बुजुर्ग जो गांव को गाइड करे वो 60 से ऊपर ना हो, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसा आपने सही कहा, किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं, बिल्कुल। तो इस पे गौर करने की बिल्कुल जरूरत है। ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस और आगे कैसे बढ़ें शायद इस स्टडीज से निकल के आया, तो मैं नमग्याल ले आपसे पूछना चाहूंगा कैसे, और आप में से जो भी बताइएगा कि क्या अब आगे कैसे बढ़ें, किस तरह से हम लद्दाख को एक अच्छा मिसाल बना सकें जिसमें पुराने चीजों को उखाड़ कर ना फेंक दें, जस्ट नया डालते हैं, जो कि केमिकल फार्मिंग जैसा मुझे लगता है। जब हम ऑर्गेनिक लद्दाख की बात करते हैं तो सिर्फ हमारे खेत ही ऑर्गेनिक ना हो, समाज और सोसाइटी भी ऑर्गेनिक हो। तो सबसे पहले तो मैं आशीष और शिस्ती को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो पुणे से आए और लोगों की आंखें खोल रहे हैं लद्दाख की। तो मैं ये समझ पहले से मैं इस इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक ये प्राचीन जमाने से चले आ रहे हैं एक सिस्टम है, तो हम इसको खोना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं पहले से जुड़ा था, सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखने का एक जरिया है लगता है मुझे ये सारे गोबा सिस्टम, क्योंकि गांव में तो गोबा ही है जो इन सब की जो देखभाल और रख रखाव करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोजिशन है गोबा का। तो इसके चलते हुए फिर हमने बहुत सारे गोबाओं को ले में बुला के विचार विमर्श करके उस पर चर्चाएँ करने की हमने तो कोशिश की, तो बहुत सारे गोबाएँ लद्दाख के हर क्षेत्र से आए और बहुत अच्छी चर्चाएँ हुई। तो आशीष जी और शिष्टी जी के जो स्टडी जो किए उनमें जो भी रिकमेंडेशंस थे उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बातें जो उभर के आई इस इन चर्चाओं के दौरान। तो इन इसमें सबका यही सुझाव था, एक तो ये जो उम्र का सीमा जो लगा है वो उसको हटाना चाहिए, ये सबका कहना था। और दूसरा जो रिकमेंडेशन सुझाव उभर के आए वो ये कि अपना जो गोबाओं का एक संगठन बने, ले के स्तर पे भी एक बने और अपने अपने क्षेत्रों में भी संगठने बने, तो ये दूसरा सुझाव था। और तीसरा सुझाव ये था कि गोबाओं को अपने यूटी प्रशासन और सरकार की ओर से मान्यता दी जाए, आर्थिक मान्यता और सामाजिक मान्यता, जैसे उनको स्वतंत्र दिवस पे जैसे कोई गोबा जो अच्छा कार्य कर रहा हो उसको कोई पुरस्कार दिया जाए। तो ये तीन जो है, बाकी फिर आशीष जोड़ेंगे, ये तीन मुझे याद आ रहे हैं। दो और मैं जोड़ देता हूँ, एक तो ये कि जो जैसे हमने कहा कि गोबा पंचायत, हिल काउंसिल, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ले शहर में म्यूनिसिपैलिटी के बीच का जो रिश्ता होना चाहिए वो साफ़ नहीं है। तो उसमें हमने साफ कहा है कि जितने भी कानून है और उसके तहत जो है गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसमें कि गोबा का रोल बहुत क्लैरिटी बहुत सफाई से उसमें हो, ताकि ये कन्फ्यूजन कम हो। उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दो दिन की चर्चा में इससे भी निकल, सब गोबा की ओर से भी निकल के आया कि जो भी गांव के स्तर पे जमीन को लेके, पानी को लेके, विकास को लेके जितने भी काम है उसमें गोबा का प्लानिंग में और निर्णय लेने में गोबा का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दो और बातें निकल के और एक जो हमने डिस्कशन में भी मेंशन किया था कि जो समाज की आंतरिक असमानताएं हैं कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, उस पर भी कम्युनिटी लेवल पे विचार होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए लंबरदारी एक्ट में भी कोई गाइडलाइंस हो सकते हैं। मर्द और औरतों और जैसे औरतें गोबा नहीं बनती या जो छोटे तबके से जाति या कास्ट के वजह से गोबा नहीं बन पा रहे उसको, उसके बारे में भी डिस्कशन होना और उसका बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। और एक आखिरी जो लद्दाख में बहुत लंबे समय में डिमांड भी रही है सिक्स शेड्यूल की, उसके बारे में भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे अप्लाई होता है तो गोबा सिस्टम सच में सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगा। और शेड्यूल 5 के बारे में भी जो ग्राम सभा युल्पा के सशक्तिकरण के बारे में बात करता है उसके बारे में भी विचार करना बहुत जरूरी है। जी जी जी, बहुत अच्छा।
तो इस दौरान आप बहुत लोगों से मिले, गोबाओं से तो मिले रिसर्च के दौरान, और हमारे सिस्टम के अलग अलग ओहदों पे बैठे लोगों से भी आप मिले होंगे। माहौल कैसा है गोबा सिस्टम के लिए, कितना सपोर्ट है हिल कैंप काउंसिल के लेवल पर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, आपने क्या पाया? जी, तीनों जो मुख्य संगठन हैं उनसे हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हमारी दो दिन की जो सभा हुई थी उसमें आए, उन्होंने इनॉग्रेट किया और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, गोबा सिस्टम को सशक्त होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हम तीन बार मिल चुके हैं, अभी भी रिपोर्ट हमने जब पेश किया कल तो उन्होंने कहा कि हम भी इसमें पूरा गौर करेंगे और हमें भी लगता है कि गोबा सिस्टम बहुत ज़रूरी है, सरकार के लिए भी बहुत ज़रूरी है और लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने हमारा रिपोर्ट जब रिलीज़ किया 13 तारीख को और फिर दो दिन की उसमें भी आए, तो उन्होंने कहा LBA की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, हम भी चाहते हैं कि गोबा रहे और उनका खासकर सांस्कृतिक और सामाजिक जो रोल है वो सशक्त रहे, वो हम भी चाहते हैं। बिल्कुल, जिस इंस्टीट्यूशन को बनने में इतने सैकड़ों शायद हजार भी साल लगे, उसका अगर हम फायदा ले सकें आज के आधुनिक दौर में भी, तो उसको बिना हटाए, उसको बिना मिटाए, उसी को और आगे थोड़ा बहुत जितना तब्दीली, जैसे डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो करें, औरतों का पार्टिसिपेशन नहीं है, या कास्ट के बारे में अगर कुछ लोग लोअर कास्ट कह के कुछ को मौका ना मिले उनको जरूर बदलें, मगर जो से कहते हैं ना थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, बच्चे को नहाए हुए पानी के साथ ही फेंक दें तो उसका मतलब नहीं रहेगा। तो मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि जैसे सिक्किम ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न सिक्किम में जहाँ लाचेन लाचुंग है, जब पंचायत अमेंडमेंट्स आए, पंचायत आया सिक्किम में, तो उन्होंने अपने गोबा सिस्टम को बिना हटाए गोबा सिस्टम को ही पंचायत बना दिया और सरकार ने भी उसे मान्यता दी, आपका इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है तो हमें कोई खुशी नहीं है इसको बिखेर के हम कोई नया लाएं जिसकी जड़ें पकड़ते पकड़ते और 100 साल बीत जाएं। तो सिक्किम एक ऐसा जगह है जहां पर पीपन को पूरा अधिकार पंचायत का भी और पहले जो रिवायती ट्रेडिशनल गोबा का है दोनों दिया गया है, जोमसा उसे कहते हैं, यहाँ युल्पा या गोबा मेंबर का सिस्टम है। तो शायद अब जबकि हम एक यूटी हैं तो इस पर भी हम गौर कर सकते हैं, क्या हम पंचायत और गोबा को जम करके थोड़ा अडेप्ट करके, हो सकता है आप लद्दाख में गोबा पंचायत कह सकते हैं जिसमें कि हम दो पैरेलल सिस्टम्स में क्लैश न रखें, वही गोबा पंचायत का सरपंच का काम करें, आज के गोबा सरपंच बने या आज के सरपंच गोबा बने, इसमें मैं फूट डालने की वो नहीं कर रहा हूं, जो भी बने गांव का लीडर बने जिसका लोगों का पूरा हमदर्दी हो, सपोर्ट हो, तो शायद हम ये दोहरे उससे छूट जाएं। जम्मू कश्मीर में इसका कुछ तुक हुआ होगा क्योंकि कश्मीर में नहीं था, जम्मू में नहीं था, लद्दाख अकेले में गोबा का सिस्टम था, मगर अब लद्दाख ही एक यूटी है तो इस पर भी हम गौर कर सकते हैं। जैसे भी हो हमारी जो विजन है, परिकल्पना है, वो ये है कि गांव का विकास हारमोनियस हो, हम आहंगी से हो, झगड़े कम हो, क्लैशेस कम हो, वसाइल रिसोर्सेज वेस्टेज कम हो, तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे हिल काउंसिल सब मिलके इस सिस्टम को बनाए रखते हुए आगे कैसे ले जाएं इस पर गौर करें। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों ने इस पर स्टडी किया, आप जो संस्थाएं इस स्टडी में जुड़े रहें जिसके नाम आप देख सकते हैं, और आपके ज़रिए मैं सारे लद्दाख के गोबाओं को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे दुश्वारियों में जब आपको ना कोई पैसे मिल रहे हैं, ना आपको खास नाम मिल रहा है, अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, फिर भी रिटायर होकर भी अपने गांव का आप सेवा कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं सारे गोबाओं का, और उम्मीद करता हूं कि सब मिलके हम एक बहुत अच्छा सा सिस्टम निकाल पाएं। आप लोगों का फिर से शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुले जुले जुले, 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 जुले।